हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल थ्री इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मुकेश कुमार। हाय, मैं अंकिता। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। पहले वृंदावन में कौन सा है, पागल बाबा मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर अपने होटल जाएंगे और फिर शाम को जन्मभूमि जाएंगे और रात को हमें एक शादी अटेंड करनी है, शादी में जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम आपके लिए मस्त मस्त वीडियो बनाते रहेंगे। बोलो राधे राधे, माँ के बिहारी की जय। मतलब घर से हम निकले थे तब फॉग काफी ज्यादा थी, अब फॉग थोड़ा ठीक लग रहा है, मौसम खुल गया है और धूप भी निकल आई है, विजिबिलिटी भी अब थोड़ी ठीक है। यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत। करीबन डेढ़ घंटे में हम पहुंच जाएंगे वृंदावन। पर आने वाले हैं, जेवर एयरपोर्ट से आगे निकले और अचानक फॉग आ गई, बहुत ज्यादा फॉग ही फॉग दिखाई दे रहे हैं, बहुत तगड़ा कोहरा है यहाँ, टेम्परेचर भी डाउन हो गया यहाँ तो, और टाइम हो रहा है 12:25 चुके हैं, 12:25 पे इतना ज्यादा कोहरा है एकदम, रास्ते में धूप थी और एकदम से कोहरा आ गए यहाँ तो। बड़ी चौक पे काफी धूप थी और एकदम ठंड पड़ रही है, लगता है आगे कोहरा मिलने वाला है, आगे और ज्यादा कोहरा हो सकता है। एक्सप्रेस वे पे नीचे आ गए, हमने वृंदावन से कट ले लिए हैं, अब वृंदावन में एंट्री होगी हमारी। जा रहे हैं पागल बाबा मंदिर जाएंगे, लेकिन उन्होंने वृंदावन की एंट्री के लिए बड़े बड़ा ही सुंदर एक ना गेट बनाया है। दोस्तों, ये पागल बाबा मंदिर हम पहुंच चुके हैं, पर क्या है ना, ये मंदिर 3 बजे खुलता है, हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। ये देखिए मंदिर बहुत सुंदर है, 9 मंजिल बना हुआ है मंदिर। ये आसपास काफ़ी ढाबे हैं, ये देखिए सामने काफ़ी ढाबे हैं, सप्लीमेंट एरिया है। हम आ गए हैं होटल में और ये है रूम, जयेश खेलने लग गया है, बढ़िया, और रूम काफ़ी अच्छा है, पार्किंग वार्किंग सब है, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा ये दिया है, बोटल्स वगैरह दी हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने के लिए सामान दिया है, कैटल दी है और टीवी है ही, और इनका अपना रेस्टोरेंट है बाहर, उसमें मेन्यू वेन्यू पूरा ऊपर सब कुछ यहाँ पर है। और ये देख लेते हैं इनका वाशरूम कैसा है, वाशरूम भी काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा। गीजर है ही, बाकी इन्होंने यहाँ भी सारी चीज़ें दी हैं यार, शैम्पू वैम्पू इन्होंने, सोप शैम्पू वैम्पू सब कुछ दिया है, इधर टॉवल्स वगैरह सब कुछ है ही नहाने के लिए, ठीक है बढ़िया। अब क्या मंगाएं बाबू खाने के लिए, क्या खाओगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं खाना, यही खा रहा है पराठा? नहीं, मुझे खाना है चॉकलेट। ओके चलो देखते हैं। आ गया जयेश ने मंगाया पिज्जा और बहुत ही ये है बहुत ही चीजी पिज्जा, और हमने बना ली है मैगी, घर से मैगी लेके आए थे और आराम से नूडल्स खाते हैं बना के और फिर निकलेंगे जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। होटल स्पिटी में हम लोग रुके हैं और ये है इसका व्यू, होटल का बाहर का व्यू, गाड़ी हमने बाहर पार्किंग पे लगा दी, अब यहाँ से हम जन्मभूमि के लिए निकले हैं। जन्मभूमि का बाहर का न्यू गेट यहाँ पे बनाया जा रहा है और मोस्टली जो मंदिर है ना मथुरा और वृंदावन, वो 12 से 4 बंद रहते हैं। करीबन 4 बज गए हैं, हम जन्मभूमि पहुँच चुके हैं, अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के जन्मभूमि दर्शन करते हैं। ऊपर देखो, लगवा लो, भगवान जी का है, बहुत अच्छा, मैं भी लगवाऊंगी, देखना कितना सुंदर लगेगा। राधे राधे बोलो, देखो बहुत सुंदर बना दिया, भगवान जी बना दिया, ये देख लो, इसको ज्यादा नहीं लगाना, नहीं ज्यादा नहीं लगाना, इसके अंकिता के लगा। यहाँ से मंदिर की बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है ये। अच्छा, ये मंदिर की बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है।
नहीं भैया नहीं है। अभी तो रोड पे है ना, अभी तो चला सकते हैं ना। ये हम पहुंच गए हैं जन्मभूमि, ये है इसका मेन गेट। यहाँ से अंदर जाके पूरे जन्मभूमि के दर्शन हैं। और यहाँ पर कैमरा फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है। बगल में ही काउंटर है, वहाँ पर कैमरा फ़ोन वगैरह सब जमा हो जाता है। सब चीज़ जमा करने के बाद हम लोग अंदर दर्शन के लिए निकलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कैमरा तो अलाउड नहीं है। हम गर्भगृह और जो जेल जहां भगवान जी ने जन्म लिया था वो स्थान, आज भीड़ भी काफ़ी नहीं कम थी तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। और जयेश ने तो ना झांकियों को खूब एंजॉय करा। 10 रुपये टिकट है, बहुत अच्छी झांकी दिखाई गई है। कृष्ण जी की एक एक लीला स्टेप बाई स्टेप उन्होंने क्या क्या किया सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया। और बाहर आ गए हम लोग, अपना सामान ले लिया, बहुत अच्छे दर्शन हुए कृष्ण भगवान के। और फोन पर्स वर्स वो यहाँ सब जमा हो जाता है, अंदर कुछ भी अलाउड नहीं, केवल आप पैसे ले जा सकते हैं, छोटे से वॉलेट, छोटा सा वॉलेट और पैसे और कुछ भी नहीं। और जो हम माला चढ़ाते हैं ना भगवान जी को, वो हमें वापस भी करते हैं। ये तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील आता है इसके साथ हमें। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने होटल में, फिर वहाँ से हमें रात को शादी में जाना है। अब हम लोग निकल रहे हैं मथुरा में शादी अटेंड करने के लिए। ड्यूक्स पैलेस हमें जाना है, हमारे होटल से करीबन 5 किलोमीटर है ये मैरिज होम। और बाहर से काफ़ी अच्छा इसका एम्बियंस था, और अंदर चलकर शादी एंजॉय करते हैं। और यहाँ मथुरा की शादी है, मथुरा में क्या क्या शादी मिलता है वो हम एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, हम आपके लिए मस्त मस्त वीडियो बनाते रहेंगे। देखो